हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में मार्केट यानी बाजार देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सोने के बाद हम जब भी सपने देखते हैं, जैसे भी सपने देखते हैं, सुबह उठने के बाद उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने हमें आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न विज्ञान का मानना होता है। स्वप्न विज्ञान कहता है कि जो भी सपने हम देखते हैं वे हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने हमें शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने हमें अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में बाजार यानी मार्केट देखना। दोस्तों, सपने में बाजार देखना यह एक अच्छा सपना नहीं माना गया है, यह एक अशुभ और बुरा स्वप्न माना गया है। कहा जाता है कि अगर आपको सपने में बाजार दिखाई दे तो आने वाले समय में आपको आपका आपके साथ धन हानि की संकेत करती है एवं साथ ही साथ व्यापार में संपूर्ण घाटा की संकेत करती है सपने में बाजार देखना। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे अशुभ स्वप्न दिखाई दे तो सुबह उठने के बाद ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का पाठ जाप करें, इससे आपके अशुभ स्वप्न टलने की शंकाएँ रहती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।